हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग आए हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम। ये हमारा शिवपुर का पार्ट टू वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें यहाँ के पंडाल के बारे में हम लोग ने पूरा देखा हुआ था। तो आज यहाँ पे जो पंडाल है उस पर कपड़ा वपड़ा पूरा बंधा रहा है, तो इस पर फिर हम लोग एक बार वीडियो बनाने आए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो में। तो हम लोग आ चुके हैं मिनी स्टेडियम के अंदर और यहाँ पे बन रहा है अयोध्या का राम मंदिर। इसका जो फुल वीडियो था, जो ओवरव्यू जिसमें मैंने पूरा डिटेल आपको दिया था इस पंडाल की और इस जगह के बारे में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको ऊपर साइड में जो आई बटन है वहाँ पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उसका ये पहले वाला जो वीडियो है आप वो पूरा देख सकते हैं, उसमें सारा मैंने डिटेल बताया था। तो आइए चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं पंडाल में कि कहाँ तक काम हुआ है और क्या क्या यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डेकोरेट किया गया है यहाँ पे, और रोड पे भी पूरा डेकोरेशन चल रहा है। और ये जो सामने है वही मेन गेट है पंडाल के लिए। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और फिर ये सामने आपको पंडाल दिख जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कपड़ा वपड़ा बंधा गया है पंडाल में। और पहले वाले वीडियो में जब हम लोग आए थे तो उस समय बांस बल्ली का काम चल रहा था, पर इस समय फिनिशिंग का काम चल रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाला है, जो कि 20 तारीख से स्टार्ट है और नवरात्रि स्टार्ट हो गया है कल से। तो काम बहुत तेज़ी से इन लोगों को करना होगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। और देख सकते हैं ये पूरा लाइट लगाया हुआ है इन लोग कि पंडाल पे प्रॉपर जो लाइट इस पे गिरे तो ये देखने में और अच्छा लगे। तो दो साइड, एक इधर और एक इधर, ये दो लाइट लगाया हुआ है। और इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं बीच में से ये इधर से ऐसे होते हुए फिर वहाँ तक गया है। तो इस बात का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है कि इन्होंने पूरा प्रॉपर ज़मीन के अंदर से इसका कनेक्शन दिया हुआ है कि लोगों का पैर वैर न फंसे इसमें। और वर्क देख रहे हैं यहाँ पे, हमें लगता है कि कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जो ये सब पूरा बना कर रखे हुए हैं, केवल इसके ऊपर फिट करके और कपड़ा बांधना है, तो वो एक दो दिन में इन लोग कर लेंगे पूरा का पूरा। तो चलिए आइए चलते हैं पंडाल के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पंडाल है, पंडाल का जो रास्ता है वो इधर से है और इसके एक सामने से भी है, वहाँ से भी एंट्री है। तो आइए चलते हैं पंडाल के अंदर। तो यही रास्ता है, इसमें से ही अंदर जाना है जब दर्शन स्टार्ट होगा। और देख सकते हैं सामने से भी एक रास्ता है, तो वहाँ से भी एंट्री होने वाला है। और यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ टर्न लेकर के फिर सामने पंडाल देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मूर्ति उर्ति आ चुका है, रखा चुका है, और काफ़ी सुंदर पंडाल इन लोग बना रहे हैं इस बार, देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब इसको अंदर से। तो ये है, इस समय हम लोग पंडाल के अंदर हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे सजावट हो रहा है। और ये है अयोध्या मंदिर के अंदर का नज़ारा। और इस साइड देख सकते हैं वॉल पे इस टाइप का मिरर जैसा इन लोग लगा कर पूरा बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, प्लाई के ऊपर मिरर चपका के। और मूर्ति भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी जी और उनका शेर, इधर से कार्तिक जी का मोर, सारी प्रतिमा यहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं इस पंडाल में जो भी वायर की कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, सारा यहाँ जनरेटर रखा हुआ है, वो सारा वायरिंग का कनेक्शन वहाँ पे है। तो यहीं से सारा सप्लाई यहाँ पे होने वाला है पंडाल में। और यहाँ देख सकते हैं झूला लगने की तैयारी हो रही है। जैसा कि देख सकते हैं सारा सामान आ गया है। और ये इतना बड़ा फील्ड है इसलिए यहाँ पे झूला है, पूरा मेला जैसा लगने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आना ना भूलें। ये है शिवपुर मिनी स्टेडियम में बन रहा दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर पूरा डेडिकेटेड है। तो इस मंदिर का जो पूरा एक पार्ट मैंने पहले बनाया था जिसमें बांस बल्ली का काम चल रहा था, तो उसका वीडियो पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, तो वहाँ से जाके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और नए वीडियो में मैंने अंदर का वीडियो पूरा दिखा दिया आपको, ओवरव्यू पूरा दिखा दिया।
तो वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।